स्टूडेंट्स, साझेदारी खाते की समायोजनाओं को पढ़ने के क्रम में आज हम जिस नवीन पॉइंट पे आपसे चर्चा करेंगे उसका नाम है पूंजी पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पिछली कक्षाओं में आपको ये बताया गया कि जब भी कोई साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो उसे पूंजी लगाना होता है। यद्यपि पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, फिर भी जो साझेदार फर्म में पूंजी लगाते हैं उनको पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो सकता है। हो सकता कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लगे ही। यह साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख के अनुसार होता है। साझेदारी संलेख में अगर पूंजी पर ब्याज की गणना के बारे में व्यवस्था है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर पूंजी पर ब्याज की गणना के बारे में कोई प्रावधान नहीं है या साझेदारी संलेख साझेदारी अधिनियम 1932 का लागू होता है तो वहां पर पूंजी पर ब्याज देने की कोई भी व्यवस्था या कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर पूंजी पर ब्याज देना है तो हम पूंजी पर ब्याज की गणना किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज की गणना, साझेदारों के मध्य समझौता होने पर साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी पर समझौते के अनुसार निर्धारित दर पर पूंजी पर ब्याज की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर पूंजी पर ब्याज की गणना करना ही है, ठीक है, तो जैसा कि उनका समझौता होगा उस समझौते के अनुसार पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था होगी और उसकी एक दर निर्धारित होगी। ठीक है, उसकी एक दर निर्धारित होगी, 10%, 5%, 15%, ऐसी कोई एक दर निर्धारित होगी। उस दर पर हमें पूंजी की गणना करनी होगी। इसमें एक दूसरी बात और आती है, वो है अवधि। अवधि का मतलब यह है कि सपोज दैट जो व्यावसायिक सत्र है नॉर्मली वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होकर मार्च 31 को एंड हो जाता है। तो अगर हो सकता है कि फर्म अप्रैल 1 से स्टार्ट ना होके ये मई 1 से स्टार्ट हो रही है या जून 1 से स्टार्ट हो रही है, मींस जिस डेट को पूंजी इंट्रोड्यूस की जा रही है उस डेट से लेकर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक की अवधि की पूंजी की गणना की जाती है। तो अवधि परिवर्तित हो सकती है, दर तो सबकी समान होगी लेकिन जो अवधि होगी वो परिवर्तित होगी। तो इसका सूत्र होगा पूंजी पर ब्याज बराबर विनियोजित पूंजी गुणे ब्याज की दर गुणे अवधि बटा 100 गुणे समय। इसको इंग्लिश में जाने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब जितनी पूंजी व्यवसाय में लगाई गई है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू ये टाइम है, टाइम किस में है, मंथ में है, तो टाइम अपॉन 12, अगर मंथ में है तो अपॉन 12 करेंगे। ठीक है, डेज में है तो अपॉन 365 करेंगे। जिस हिसाब से व्यवस्था होगी उस हिसाब से इस सूत्र का हम प्रयोग वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानने की ज़्यादा आवश्यकता है पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए। नोट में हमने लिखा है कि यदि प्रश्न में प्रारंभिक शेष के स्थान पर अंतिम शेष का उल्लेख हो, ये थोड़ी सी रिमार्केबल पॉइंट है कि जैसे ये हमें वर्ष के प्रारंभ में कितनी पूंजी लगाई गई इसका उल्लेख है तो हम इस सूत्र के द्वारा पूंजी की गणना कर लेंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्न में देता है कि वर्ष के अंत में उनकी पूंजी का शेष ये है, मतलब वर्ष के अंत की पूंजी देते हैं। वर्ष के अंत की पूंजी देने का मतलब क्या है, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी लगाई, कुछ उन्होंने आहरण किया होगा तो पूंजी घट गई होगी, आहरण पर ब्याज लगा होगा तो पूंजी घट गई होगी, उन्होंने कुछ और पूंजी मिला दी होगी वर्ष के बीच में, उन्होंने कुछ और पैसा लगा दिया होगा तो उससे पूंजी बढ़ गई होगी, फर्म में लाभ हुआ उस लाभ को भी उनकी पूंजी में जोड़ दिया गया तो उससे उनकी पूंजी क्या हुई, बढ़ गई। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उस एक्टिविटीज़ होने के कारण पूंजी की मात्रा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, वर्ष में जो प्रारंभ में पूंजी लगाई गई थी वर्ष के अंत में उस पूंजी का रूप बदल गया, मींस वह पूंजी की मात्रा घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन सूत्र हमारा क्या बोल रहा है कि वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी है उसी पर हम उसी से अगर वो हमें पता है तभी हम इस सूत्र को लगाकर पूंजी पर ब्याज की गणना कर सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में अगर हमें वर्ष के अंत की पूंजी दी गई है तो हमें वर्ष के प्रारंभ की पूंजी को जानना होगा। और वर्ष की पूंजी प्रारंभ की पूंजी को जानने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब हम वर्ष के प्रारंभ की पूंजी को कैलकुलेट कर पाएंगे। और वे स्टेप्स कौन से होंगे, देखिए यहाँ स्टेप्स की बात करें तो बिल्कुल सरल तरीके से अगर देखा जाए तो वे सारे पॉइंट्स या वे सारे कैलकुलेशन जिन्होंने पूंजी की मात्रा को घटाया है, ठीक है, उन्हें हम अंतिम शेष में जोड़ देंगे, और जिन्होंने पूंजी की मात्रा को बढ़ाया है उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उसी को हमने पॉइंट वाइज कर दिया है कि वह प्रारंभिक शेष के स्थान पर अंतिम शेष का उल्लेख यदि है तो पूंजी के अंतिम शेष में, क्योंकि अंतिम शेष ही हमको पता है, अंतिम शेष में आहरण और अपलिखित हानि मीन्स उन्होंने जो आहरण किया है और फर्म में अगर उनको हानि हुई है तो हानि का भाग जोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, आहरण और हानि और आहरण पर ब्याज, ये पॉइंट्स क्या करते हैं कि पूंजी की मात्रा को घटा देते हैं। तो चूंकि इन्होंने घटाया होगा इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तथा अतिरिक्त लगाई गई पूंजी एवं लाभ के भाग को घटा देते हैं। तो जो अतिरिक्त पूंजी लगाई जा रही है, अतिरिक्त पूंजी लगाने से पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है, फर्म में अगर लाभ होता है तो उस लाभ से भी पूंजी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जिनसे पूंजी की मात्रा बढ़ गई है उनको घटा देते हैं और जिनसे पूंजी की मात्रा घट गई है उनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आहरण और हानि को हम घटा देते हैं, ठीक है, सॉरी आहरण और हानि को जोड़ देते हैं, जबकि पूंजी जो अतिरिक्त लगाई गई पूंजी है और जो लाभ है उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ऐसा करने से हमें प्रारंभिक पूंजी प्राप्त हो जाती है। और जब प्रारंभिक पूंजी, इन्हीं बातों को हम एक स्पेशल नोट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अंतिम शेष से प्रारंभिक शेष की गणना करना। इसमें हम आपसे बताते हैं कि वे बातें जो या वे एडजस्टमेंट्स जिन्होंने कैपिटल को बढ़ा दिया है उनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और जिन्होंने कैपिटल को घटा दिया है उनको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे जो साझेदार है उसने अगर वर्ष के दौरान कुछ आहरण किया है तो पूंजी की मात्रा क्या हुई, उस आहरण से घट गई है, और वर्ष में व्यवसाय ने कोई हानि अगर गेन किया है तो उस हानि को भी उसकी पूंजी में से घटा दिया गया होगा। तो कहने का मतलब ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं, साझेदारों द्वारा किया गया आहरण और वर्ष में डेबिट की गई हानि, तो इन दोनों ने क्या किया, उसकी पूंजी को घटा दिया होगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम वर्ष के अंत की पूंजी में जोड़ देंगे। और अगर वर्ष के दौरान साझेदार ने कुछ अतिरिक्त पूंजी लगाई है या व्यवसाय ने प्रॉफिट गेन किया है और उस प्रॉफिट को भी उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया है तो ये दोनों क्या करेंगे, उसकी पूंजी को क्या किए होंगे, बढ़ा दिए होंगे, इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वर्ष के अंत की पूंजी में अगर आहरण और डेबिट की गई हानि को ऐड कर दिया जाए और लगाई गई अतिरिक्त पूंजी और क्रेडिट किया गया लाभ को अगर हम माइनस कर दें तो हमें वर्ष की प्रारंभिक पूंजी की राशि प्राप्त हो जाती है। और वर्ष की जो प्रारंभिक पूंजी की राशि प्राप्त हो जाती है फिर इस सूत्र से हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे पूंजी की गणना करते समय ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। वे पॉइंट्स कौन से हैं, पूंजी पर ब्याज की गणना में ध्यान देने योग्य बातें। पहला पॉइंट क्या है, यदि प्रश्न में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं है तो पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। बिल्कुल क्लियर बात है कि साझेदारी के जो हम प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें अगर पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई उल्लेख है ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि हमें पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई कैलकुलेशन ना तो करना है और ना ही पूंजी पर ब्याज लगाना है, ठीक है। तो साझेदारी फर्म में अगर पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो उसका कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा पॉइंट है, यदि पूंजी पर ब्याज को लाभों का विनियोजन मानने का समझौता हो तो भी पूंजी पर ब्याज तभी देय होगा जब फर्म को लाभ होगा, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें जानने वाली बात है लाभों का विनियोजन, कहने का मतलब जो साझेदार हैं फर्म में होने वाले लाभ को भी अगर वो पूंजी में ऐड कर देते, मींस उस लाभ को निकालते नहीं है, उस लाभ को भी पूंजी में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी
मीन्स लाभ हो रहा हो उस लाभ को पूंजी में, सॉरी ब्याज की राशि को पूंजी में क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। लाभों का विनियोजन हो रहा है, जो लाभ हो रहा है उनको भी जोड़ दिया जा रहा है, जो पूंजी पर ब्याज लगेगा उसको भी पूंजी में जोड़ दिया जाने की स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब फर्म को लाभ होगा। अगर फर्म उस वर्ष हानि में हो गई है, हानि गेन कर रही है फर्म, तो उस वर्ष साझेदारों को कोई भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि फर्म का लाभ अपर्याप्त हो तो पूंजी पर ब्याज की राशि लाभ से अधिक नहीं हो सकती। एक दूसरी सिचुएशन बनती है कि सपोज दैट पूंजी पर ब्याज की राशि 1,00,000 हो रही है और फर्म ने 80,000 ही प्रॉफिट गेन किया। इसका मतलब क्या है, पूंजी पर ब्याज देने के लिए फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज उस 80,000 रुपए की लाभ की राशि तक ही दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जितना लाभ हुआ है उस लाभ की राशि को ही पूंजी पर ब्याज के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। लाभों से अधिक राशि पूंजी पर ब्याज के रूप में नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पूंजी पर ब्याज लाभ का प्रभार हो, ठीक है ना, पूंजी पर ब्याज क्या है, लाभ पर प्रभार हो, एज ए चार्ज के रूप में हो, मानने का समझौता हो, तो पूंजी पर पूरे वर्ष का ब्याज, पूरे वर्ष का ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि, दोनों ही स्थितियों में भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि यदि पूंजी पर ब्याज है, लाभ पर प्रभार हो, प्रॉफिट पर वो एज ए चार्ज के रूप में हो, एक खर्च के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूरे वर्ष का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा और वो ब्याज दिया जाएगा फर्म को, चाहे लाभ हो या हानि हो, उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पूंजी पर ब्याज देने का समझौता हो किंतु यह स्पष्ट ना हो कि लाभ का विनियोजन होगा अथवा लाभ पर प्रभार होगा। कहने का मतलब क्या है कि साझेदारी की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें पूंजी पर ब्याज देने की बात कही गई हो, लेकिन कि वह ब्याज जो है लाभ पर प्रभार होगा या लाभ का विनियोजन होगा इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब फर्म को लाभ होगा, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि पूंजी पर ब्याज होता क्या है, पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने का सूत्र क्या है। अगर वर्ष के प्रारंभ में पूंजी पर ब्याज, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी दी गई है तो इस सूत्र से पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं। अगर वर्ष के अंत की पूंजी दी गई है तो हम वर्ष के प्रारंभ की पूंजी को इन बातों के माध्यम से जान सकेंगे कि क्या उसमें जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो हमें वर्ष के प्रारंभ की पूंजी प्राप्त होगी। वर्ष के प्रारंभ की पूंजी प्राप्त हो जाने के बाद फिर हम इस सूत्र को लगाकर पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें बताते हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है कि नहीं करनी है, अगर पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है तो किन परिस्थितियों में करनी है और उसे हम किस हिसाब से हमको उसको भुगतान करना है, लाभ होने पर भी ब्याज देना है कि नहीं देना है, हानि होने पर भी ब्याज देना है कि नहीं देना है। तो इस वीडियो में आपको पूंजी पर ब्याज से संबंधित लगभग सारी बातें बता दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। यदि कोई बातें समझ में नहीं आई हैं तो इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।